हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाइंस एंड एंगल की एक्सरसाइज 10.4 और क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं, उस पर एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ टू स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, प्रूव दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो सबसे पहले आपको यहां पर जो स्टेटमेंट है उसको अंडरस्टैंड करना है कि उसने क्या बोला है, उसके हिसाब से आपको यहां पर फिगर ड्रॉ करना है। तो चलिए जो स्टेटमेंट है इसको एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इफ टू स्ट्रेट लाइंस, तो यानी कि दो स्ट्रेट लाइन आपको गिवन है, जैसा कि मैंने यहां पर ड्रॉ कर ली है, दो स्ट्रेट लाइन आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, यानी कि एक ऐसी लाइन है जो इन दोनों लाइन को कट करती है और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये एंगल बनाती है आपका 90 डिग्री, जो पहली वाली लाइन है उस पर भी और दूसरी पर भी। अब यहां पर आपको प्रूव करना है दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहां पर M और L, जैसे मैंने यहां पर इन लाइंस को नाम दे दिया है M और L, तो इन दोनों लाइन को आपको प्रूव करना है कि भैया ये दोनों की दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई एम श्योर अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं तो आप इसका आंसर जरूर निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर इस लाइन को मैंने नाम दे दिया है P, जो कि परपेंडिकुलर है। तो मैंने यहां पर बोल दिया कि P is perpendicular to M, ठीक है, which is given, and P is also perpendicular to L, okay? दोनों लाइन्स पर आपका ये परपेंडिकुलर है, आप इसको बोल दोगे given, this is the given statement, and you know very well, angle 1 is equal to angle 2, ये आपस में दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये भी आपका 90 डिग्री है और ये भी आपका 90 डिग्री है ना? तो यहां पर आप लिख दोगे 90 डिग्री, दिस इज द रीजन। तो यहां पर आपको प्रूव करना है कि M और L दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, और इन दोनों लाइन को पैरेलल प्रूव करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि इक्वल एंगल्स फॉर्म करती है 90 डिग्री ईच, है ना? तो आप यहां पर देखकर कह सकते हैं कि ये जो दो एंगल फॉर्म होते हैं और इक्वल है, दीज आर नोन एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दो लाइन है, ठीक है, और ये आपस में इक्वल हैं, है ना? दोनों एंगल आपके इक्वल हैं। सबसे बड़ी बात कि दोनों के दोनों एंगल आपके इक्वल हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं इनको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सो फाइनली हम कह सकते हैं सिंस L एंड M आर द टू लाइंस एंड P इज ट्रांसवर्सल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो वी कैन से L इज पैरेलल टू M, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। टू अनइक्वल एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड ऑल इट्स एंगल्स इन डिग्रीज। तो यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज द फिगर फॉर दिस प्रॉब्लम। टू अनइक्वल एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो, यानी कि दो अनइक्वल एंगल्स आपको गिवन है, लेकिन कैसे गिवन है? रेशियो की फॉर्म में। आप देख सकते हैं मैंने कह दिया कि आपका ये वाला एंगल है 2x और ये है आपका 3x, क्योंकि आपका यहां पर रेशियो में गिवन है 2:3, तो ये हो जाएगा आपका 2x और ये हो जाएगा आपका 3x। तो मैंने A और B ही क्यों लिया? क्योंकि आपका एंगल A बराबर होता है एंगल C के और एंगल B बराबर होगा एंगल D के। अपोजिट एंगल्स जो होते हैं ना वो आपके बराबर होंगे पैरेललोग्राम के अंदर, D बराबर होगा B के, है ना, और एंगल A बराबर होगा एंगल C के। तो जो एंगल A होगा वही एंगल C होगा और जो एंगल B होगा वही एंगल D होगा, है ना? तो आप अनइक्वल किसको बोल सकते हैं? एंगल A को और B को बोल सकते हैं। आप इस तरीके से नहीं बोल सकते, एंगल A और C को आप अनइक्वल नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो आपके इक्वल ही होते हैं ना, अपोजिट एंगल है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। सो दिस इज द फिगर फॉर द पैरेललोग्राम, और यहां पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एंगल A इक्वल होगा एंगल C के और एंगल B बराबर होगा एंगल D के, है ना? अपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल।
तो इसका मतलब है एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के और एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एंगल ए होगा आपका 2x और एंगल बी होगा आपका 3x। तो यहां पर आपको समझना है कि आगे इसको सॉल्व कैसे करना है। तो AD आपकी लाइन पैरेलल होगी BC के, है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम है आपका, और AB जो लाइन होगी एक आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो इस बात को आप ऐसे समझ लो कि दो पैरेलल लाइन है और आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कैसा होगा, है ना, अगर आपका ये x एंगल है और ये y है। सो दीज एंगल्स आर नोन एज को इंटीरियर एंगल्स, और इन दोनों का सम कैसा होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो आप इस बात को यहां पर लिख देंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंपली यहां पर इनको पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे x की। तो यहां पर हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, x की वैल्यू आ चुकी है 36 डिग्री, है ना। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 36 डिग्री। नाउ फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड एंगल ए एंड एंगल बी। तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए, है ना। यहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि मैंने आपको क्या बोला था, इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो कैसा होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। एंड दीज एंगल्स आर नोन एज को इंटीरियर एंगल्स। तो डेफिनेटली एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के। तो जितना आपका एंगल ए है, जैसे 72 डिग्री है, तो एंगल सी भी आपका हो जाएगा 72 डिग्री। इसी तरीके से एंगल बी किसके बराबर है, एंगल डी के, और ये एंगल हो जाएगा आपका 108 डिग्री। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इफ ईच ऑफ द टू लाइंस इज परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, व्हाट काइंड ऑफ लाइंस आर दे टू ईच अदर। तो सबसे पहले आपको यहां पर जो स्टेटमेंट गिवन है उसको अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल उसके जैसा है, बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। वहां पर आपको प्रूव करना था, यहां पर आपसे पूछा है व्हाट काइंड ऑफ लाइंस आर दे टू ईच अदर, यानी कि आपसे वही बात पूछी गई है। आपको बताना है कि ये जो दो लाइन है आपस में किस तरह की लाइन है, आपस में पैरेलल है या फिर नहीं है। तो जो कंसेप्ट हमने क्वेश्चन नंबर 6 में अप्लाई किया है वही सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है एंगल एबीडी, आप देख सकते हैं एंगल एबीडी एंड एंगल सीडीएम, सीडीएम बोथ एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों आपके परपेंडिकुलर है, सेम लाइन पर है, है ना। ये आपको गिवन है ऑलरेडी, तो ये 90 डिग्री हो जाएंगे, 90 डिग्री। और जैसे ही आपके ये एंगल इक्वल होते हैं आप बोल सकते हो सिंस कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ये एंगल आपके इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि आपकी ए बी लाइन पैरेलल होगी सी डी के, है ना। सो दीज आर नोन एज कोरस्पोंडिंग एंगल्स। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, हमने डिस्कस किया था, उससे पहले भी कई बार हमने इसको डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इन फिगर 10.110 एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहां पर आपको ये वाला एंगल गिवन है 60 डिग्री, और एंगल 2 आपको गिवन है 2/3 ऑफ अ राइट एंगल, यानी कि ये जो एंगल है एंगल 2 ये आपको गिवन है 2/3 ऑफ राइट एंगल, है ना। तो ये आप सॉल्व कर लोगे और आपका ये आ जाएगा 2 × 30, दैट मीन्स ये भी आपका आ जाएगा 60 डिग्री, और एंगल 1 आपको गिवन है 60 डिग्री, है ना। तो दोनों एंगल आपके इक्वल हैं, और प्रूव करना है L इज पैरेलल टू M। देखिए यहां पर एंगल 3 लिख दिया है लेकिन एक्चुअल में इसका कोई भी काम नहीं है, यहां पर सिर्फ काम है आपका एंगल 1 और एंगल 2 का, है ना। ये कंसेप्ट हम ऑलरेडी कितनी बार यूज कर चुके हैं, अब आपको समझ में आ चुका होगा कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो चुके हैं, लेकिन रीजन क्या है। आई एम श्योर यू नो द एग्जैक्ट रीजन फॉर दिस प्रॉब्लम कि हमने इसको प्रूफ कैसे किया है L इज पैरेलल टू M। तो यहां पर आप देख सकते हैं एंगल 1 और 2 आपके बराबर हो चुके हैं। तो जैसे ही ये दोनों एंगल आपके बराबर होते हैं तो इसका मतलब है कि ये आपस में पैरेलल हो जाएंगी और ये एंगल बन जाएंगे आपके कोरस्पोंडिंग एंगल्स, है ना। तो यहां पर आप लिख दोगे सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर L इज पैरेलल टू M एज पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इन फिगर 10.111 इफ L इज पैरेलल टू M इज पैरेलल टू N, यानी कि आपस में ये तीनों की तीनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, दिस इज गिवन।
एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल आपको गिवन है ये 60 डिग्री. फाइंड एंगल 2 और एंगल 2 आपसे पूछा गया है कि इसका वैल्यू कितना है. तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो फिगर गिवन है इसको बस आपको अंडरस्टैंड करना है, विजुअलाइज करना है और आप बिना पेन उठाए इसका आंसर बता सकते हैं. अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, मेरी वीडियोस को अच्छे से वॉच किया है, तो आप इसका आंसर डेफिनेटली कर पाएंगे. तो सबसे पहले हम विजुअली इसको देखेंगे कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि एंगल 1 इज इक्वल टू है आपका 60 डिग्री, ये गिवन है. तो जितना एंगल 1 होगा एंगल 3 भी उतना ही होगा. एल और एम पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा, है ना. और आप देख सकते हैं कि ये आपकी एक कैसी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है. और इस लाइन को लेट से मैं बोल देता हूं पी लाइन, ठीक है. तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा आपका 180 डिग्री होगा, है ना. एक लाइन बनती है और हम कह सकते हैं ये कैसा होगा, लीनियर पेयर फॉर्म करता है ना. ये आपकी अपोजिट लाइन है और ये आपकी एक कॉमन रे है. दिस फॉर्म्स अ लीनियर पेयर. तो एंगल 3 प्लस 4 हो जाएगा आपका 180 डिग्री, है ना. अगर ये आपका 60 डिग्री है तो एंगल 4 कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 120 डिग्री. तो 120 प्लस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना. तो एंगल 4 जितना होगा उतना ही एंगल 2 होगा. क्यों होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एम और एन आपकी पैरेलल लाइन है तो आप यहां से बोल सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, बिकॉज ये एंगल बनाते हैं आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो आपने देखा बिना कैलकुलेशन के आप इसको विजुलाइज करके इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं. अगर फिर भी आपको ये समझ में नहीं आया है तो इस कंसेप्ट को मैं यहां पर लिख देता हूं. तो यहां से आपको स्टार्ट करना है. एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 3 के, है ना, 60 डिग्री होगा. क्यों होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये लाइन आपकी पैरेलल है तो आप बोल सकते हैं एंगल 1 और 3 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे. तो जितना 1 होगा उतना ही 3 होगा. तो यहां से आपका 3 फाइंड हो चुका है. इसके बाद आपको क्या करना है, लीनियर पेयर फॉर्म करना है एंगल 3 और 4 में, है ना. 3 4 का दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा. तो मैंने यहां पर लिख दिया एल डॉट पी यानी लीनियर पेयर. तो एंगल 4 आपका यहां से निकल जाएगा 120 डिग्री. तो आप यहां पर देख सकते हैं एम पैरेलल है एन के. एंगल 4 और एंगल 2 आपके बराबर होंगे. क्यों होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो इस तरीके से आप बोल सकते हो एंगल 2 आपका होगा 120 डिग्री. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की. प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द सेम स्ट्रेट लाइन आर पैरेलल टू वन अनदर. देखिए ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम है जैसे क्वेश्चन 6 और 8 हमने सॉल्व किया है, बिल्कुल वैसा ही है. कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम कंसेप्ट आपको यूज करना है. आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा. आप इसको एक बार ट्राई कीजिए. अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि क्यों नहीं आ रहा है. तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की. द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल इफ वन एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 60 डिग्री, फाइंड द अदर एंगल्स. सबसे पहले आपको स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद यहां पर फिगर ड्रॉ करना है. तो चलिए इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं. यहां पर बोला गया है अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, है ना. जो क्वाड्रिलेटरल है मैंने बोल दिया कि एबीसीडी आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल है और इसकी अपोजिट साइड कैसी है, पैरेलल है. यानी कि ये गिवन है कि ए बी आपका पैरेलल होगा सीडी के, है ना. और दूसरी बात कि आपका एडी पैरेलल होगा बीसी के. तो इस बात को भी मैंने कहां लिख दिया, गिवन में, है ना. इसके बाद बोला गया है इफ वन एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 60 डिग्री. तो यानी कि कोई भी एंगल आप ले सकते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, है ना. चारों में से कोई भी एंगल आप ले सकते हैं, उसको आपको 60 डिग्री लेना है. तो चलिए मैंने मान लिया कि एंगल ए आपका 60 डिग्री गिवन है. फाइंड द अदर एंगल्स. तो यहां पर आपको बाकी एंगल जो है वो सब फाइंड करने हैं. तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. हम शुरुआत करते हैं यहां से, ए बी इज पैरेलल टू सी डी. देखो अगर हम ये वाली कंडीशन लेते हैं कि ए बी आपकी पैरेलल है सी डी के, तो इसमें हम कहेंगे कि जो ए डी है वो आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, है ना. ये जो लाइन है ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी. सो दिस इज समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से आप देख सकते हैं, है ना. तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा, 180 डिग्री. क्यों होगा, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. क्योंकि ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल है, है ना. हमने ऑलरेडी यहां पर डिस्कस किया है कि ए बी आपका पैरेलल है डीसी के और ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है.
इसके बाद आपको यहां पर एंगल ए का वैल्यू पुट करना है 60 डिग्री विच इज गिवन। एंगल डी का वैल्यू आप यहां से फाइंड कर सकते हैं 120 डिग्री यहां पर आ जाएगा इसका वैल्यू, है ना। देखो कितना आसान है, आपको सिंपली यहां पर कंसेप्ट जो है वो यूज करना है एंगल्स वाले। नाउ इन द सेम मैनर यहां पर आपको जो सेकंड कंडीशन है यहां से स्टार्ट करना है, AD इज पैरेलल टू BC, है ना। AD पैरेलल आपको गिवन है कि BC के पैरेलल है, ये दोनों लाइन आपको गिवन है कि ये पैरेलल है ना, दो लाइन है। और अब मान लेते हैं कि जो AB है, ठीक है, इस तरीके से कुछ ऐसा दिखेगा ये। अगर ऐसा हम लेते हैं तो ये आपका AB लाइन है, दिस इज योर AB लाइन एंड दिस इज योर DA, ओके, एंड दिस इज योर CB, ओके, इस तरीके से। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा 180 डिग्री। वंस अगेन को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो एंगल ए प्लस बी कितना होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप एंगल बी भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से आपका एंगल बी आ जाएगा क्योंकि एंगल ए आपका गिवन है 60 डिग्री, तो यहां से एंगल बी आ जाएगा आपका 120 डिग्री। तो यहां पर एंगल बी आपका फाइंड हो चुका है 120 डिग्री, आप यहां पर लिख देंगे। तो आपको क्या करना है, एंगल बी प्लस एंगल सी करना है। क्यों करना है, क्योंकि आपको फर्स्ट वाली कंडीशन ही लेनी है कि आपका ए बी पैरेलल है डीसी के, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, है ना, दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, है ना, दो पैरेलल लाइंस के बीच में है। एंड दिस बीसी इज योर ट्रांसवर्सल, है ना, यहां पर इस केस में आपकी बीसी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो बी ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं 120 डिग्री, और सी का वैल्यू आप यहां से निकाल लोगे और सी का वैल्यू आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो इस तरीके से आप सारे एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। आपने देखा हमने सिर्फ एक ही कंसेप्ट यूज किया है, उसी को बार बार यूज करके सारे एंगल्स को फाइंड कर लिया है। बस आपको देखना है कि कौन कौन सी पैरेलल लाइन लेनी है और कौन सी आपको ट्रांसवर्सल लेनी है, ठीक है। इस तरीके से आप सारे एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 13, टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 270 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल AOC, एंगल COB, एंगल BOD एंड एंगल DOA। तो आपको यहां पर दो लाइन दी हुई है जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, आप देख सकते हैं, दिस इज द फिगर फॉर दिस क्वेश्चन। और साथ में गिवन है कि एंगल AOC, आप देख सकते हैं, दिस इज द एंगल AOC, एंगल COB, COB, दिस इज द एंगल COB एंड एंगल BOD, एंगल BOD, इन तीनों का जो सम है वो कितना है 270 डिग्री। और अगर हम देखें कि जो पूरा का पूरा सम होगा, है ना, इन चारों का सम, इन चारों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा 360 डिग्री के बराबर होगा। तो मैंने इसी बात को यहां पर लिख दिया है, एंगल AOC प्लस एंगल, है ना, जो ऊपर एंगल लिखे हुए हैं उन्हीं को मैंने यहां पर लिख दिया है। और साथ में जो एंगल रह गया था ये वाला, है ना, ये गिवन नहीं है आपका, तो इसको हम यहां से फाइंड कर लेंगे। तो इन सभी का जो सम है वो कितना है 270 डिग्री, 270 डिग्री प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से एंगल AOD आपका कितना आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा 90 डिग्री, एंगल AOD विल बी 90 डिग्री। तो देखिए आपको यहां पर अंडरस्टैंड करना है कि अगर ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल वाले रूल से ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ऑब्वियसली, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अब कोई भी एंगल आप निकालो, या फिर ये वाला या फिर ये वाला, कोई भी आप एक एंगल निकाल लो, अगर आपका कोई भी एक एंगल यहां से निकल गया तो दूसरा एंगल भी उसी के बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल वाले रूल से। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है और मैं मान लेता हूं कि यहां पर ये आपका कैसा बनता है, एक लीनियर पेयर बनता है, ठीक है, दोनों अपोजिट आपकी रेज हैं और ये आपकी कॉमन रे है। तो दैट मींस ये एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कैसा होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, कैसे होगा, लीनियर पेयर से, है ना। तो यहां से आप फाइंड कर लेंगे एंगल BOD, तो एंगल BOD आपका आ जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री, ओके, तो ये कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री। तो दैट मींस आपका BOD एंगल भी कितना है 90 डिग्री है, ऑब्वियसली।
तो यहां पर आपका एंगल बीओडी 90 डिग्री आ चुका है। इसका मतलब है ये वाला एंगल भी आपका कितना होगा, 90 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल वाले रूल से। तो इसी बात को आप यहां पर लिख देंगे कि किस प्रॉपर्टी से ये आपका 90 डिग्री एंगल हुआ है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इन फिगर 10.112, दिस इज योर फिगर नंबर 10.112, पी इज अ ट्रांसवर्सल टू लाइंस एम एंड एन। तो पी आपकी ये लाइन है, ठीक है, दिस इज योर ट्रांसवर्सल लाइन, और एम और एन आपकी दो लाइन है। एंगल 2 आपको गिवन है 120 डिग्री, आप देख सकते हैं दिस इज योर एंगल नंबर 2, एंड एंगल नंबर 5 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये वाला आपको गिवन है 60 डिग्री। प्रूव दैट एम इज पैरेलल टू एन। तो आपको प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपको क्या क्या गिवन है। जैसा आपने देखा कि एंगल 2 आपको गिवन है 120 डिग्री और एंगल 5 आपको गिवन है 60 डिग्री, है ना, दिस इज योर एंगल नंबर 5। अगर यहां पर देखा जाए कि एंगल 1 को अगर मैं एंगल 5 के बराबर कर दूं, यानी कि एंगल 1 को भी 60 डिग्री प्रूव कर दूं, ठीक है, किसी तरीके से निकाल लेता हूं, तो ये दोनों एंगल कैसे बन जाएंगे आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और दोनों एंगल आपके इक्वल हो जाते हैं, तो इसका मतलब है एम आपके पैरेलल हो जाएगी एन के। तो यहां पर बहुत सीधा सा फंडा है, एंगल 2 भी आपको गिवन है, है ना, एंगल 1 आपको निकालना है, तो हम 2 और 1 को क्या ले लेंगे, लीनियर पेयर, है ना, दोनों को लीनियर पेयर ले लेंगे, तो एंगल 1 आपका निकल जाएगा, एंगल 2 आपको गिवन है 120 डिग्री, और यहां से देखा जाए तो लीनियर पेयर होता है दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर, यानी कि 180 में से हम 120 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा यहां पर 60 डिग्री। आपने देखा कि हमने यहां पर कुछ सॉल्व नहीं किया है, कैलकुलेशन नहीं की है, उसके बावजूद हमने यहां पर एक तरीके से आंसर निकाल लिया है कि आपका ये एंगल इसके बराबर हो चुका है, और बराबर होने के बाद हम कह सकते हैं कि एम आपका पैरेलल है एन के, दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो चुकी है। सो दिस वॉज वेरी सिंपल। तो इसी बात को हम यहां पर लिख लेते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, यही तो मैंने कहा था, कैसा होगा, लीनियर पेयर से। तो एंगल 1 आप यहां से निकाल सकते हैं 180 माइनस एंगल 2 आपको गिवन है 120, तो 120 माइनस कर देंगे और एंगल 1 आ जाएगा आपका 60 डिग्री। सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, दैट मींस 60 डिग्री, यू कैन से देयरफॉर एम इज पैरेलल टू एन बिकॉज। तो यहां पर आपने इस बात को लिख दिया है, देयरफॉर एम इज पैरेलल टू एन एज पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इन फिगर 10.113 ट्रांसवर्सल एल इंटरसेक्ट टू लाइंस एम एंड एन, एंगल 4 इज इक्वल टू 110 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू 65 डिग्री, इज एम इज पैरेलल टू एन। तो यहां पर आपको गिवन है कि एल आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो दो लाइन को कट करती है एम और एन को, और आपको यहां पर बताना है कि क्या दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं या नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी गिवन होगा वहीं से आपको स्टार्ट करना है। तो एंगल 4 आपको गिवन है 110 और एंगल 7 आपको गिवन है, है ना, एंगल 4 गिवन है और एंगल आपको 7 गिवन है, तो ये आपका एंगल 4 है और ये आपका एंगल 7 है, तो एंगल 7 और एंगल 5 आपका बराबर होगा, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो एंगल 7 का वैल्यू है आपका 65 डिग्री, तो एंगल 5 भी आपका 65 डिग्री हो जाएगा, है ना, एंगल 4 का वैल्यू है आपका 110। अब अगर मैं इन दोनों एंगल को ऐड कर देता हूं, एंगल 4 और एंगल 5 को, तो क्या उनका सम आपका 180 डिग्री आता है या फिर नहीं है। अब देखिए, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो दोनों का सम आएगा 175, ठीक है, 180 डिग्री नहीं आता है। इसका मतलब है कि ये आपकी दोनों लाइन पैरेलल नहीं होंगी, क्योंकि दोनों का सम आपका 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए था। 4 एंड 5 एंगल्स बोथ आर को इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पर अगर मान लें कि M और N आपकी दो पैरेलल लाइन हैं, तो एंगल 4 और एंगल 5 आपके कैसे एंगल होने चाहिए थे, को इंटीरियर एंगल्स, और दोनों का सम कैसा होता है, 180 डिग्री के बराबर। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब है दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं है। तो इसी बात को आप यहां पर लिख देंगे, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5, वर्टिकली अपोजिट एंगल वाले रूल से आपका ये भी 65 डिग्री हो जाएगा, है ना, इसी बात को मैंने यहां पर
लिख दिया है। इसके बाद एंगल 4 और 5 को आपको क्या करना है, सिर्फ ऐड करके देखना है, चेक करना है। तो मैंने यहां पर दोनों को ऐड कर दिया और आपका 175 डिग्री आ रहा है, जो कि आपका 180 डिग्री नहीं है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। विच पेयर ऑफ लाइन्स इन फिगर 10.114 आर पैरेलल, गिव रीजंस। तो यहां पर आपको फिगर गिवन है, इसमें देखकर आपको बताना है कि कौन सी पेयर ऑफ लाइन्स आपकी पैरेलल है, और यहां पर साथ में रीजन भी आपको देना है। तो सबसे पहले आपको करना है एंगल ए प्लस बी। क्यों करना है? क्योंकि ये बनते हैं आपके को इंटीरियर एंगल्स। अगर इन दोनों का सम आपका 180 डिग्री आ जाता है, जैसा हमने देखा कि 115 प्लस 65 दोनों का सम आपका 180 डिग्री आता है, इसका मतलब है कि आपकी एडी जो होगी वो पैरेलल होगी बीसी के, है ना, क्योंकि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इसी तरीके से आपने क्या किया, बी और सी को आपने ऐड करके देख लिया, बी प्लस सी, क्या इन दोनों का सम आपका 180 डिग्री के बराबर आता है? यस, बिल्कुल आता है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी कि ए बी आपकी पैरेलल होगी सी डी के। क्यों पैरेलल होगी? एज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए अब बात करते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17 की। इफ एलिमेंट आर थ्री लाइन्स सच दैट एल इज पैरेलल टू एम एंड एन इज परपेंडिकुलर टू एल, प्रूव दैट एन इज परपेंडिकुलर टू एम। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एल एम एन आर थ्री लाइन्स सच दैट एल इज पैरेलल टू एम। तो ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल हैं, दिस इज गिवन। इसके बाद आपको बोला गया है एन इज परपेंडिकुलर टू एल, तो एन आपकी ये वाली लाइन हो जाएगी क्योंकि ये आपकी परपेंडिकुलर है। दिस इज योर एंगल नंबर वन, इसको एंगल वन बोल दिया और इसको हमने बोल दिया एंगल टू। प्रूव क्या करना है, एन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एम, कि ये वाली लाइन इस लाइन पर भी आपकी परपेंडिकुलर एंगल बनाती है, यानी 90 डिग्री एंगल बनाती है। इसी बात को आपको प्रूव करना है। तो देखिए, अगर आपने सभी कॉन्सेप्ट्स को, एंगल्स को स्टडी किया है अच्छे से, तो आप इसका आंसर इजीली बता पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि L इज पैरेलल टू M, है ना, दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो एंगल 1 और 2 आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, है ना, और पैरेलल है, पैरेलल है, इसका मतलब है एंगल भी आपके इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होने चाहिए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म करते हैं। अगर आपका एक एंगल भी गिवन है या फिर आपने फाइंड कर लिया है, तो दूसरा एंगल भी उतना ही होगा। तो पहला एंगल आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, एन इज परपेंडिकुलर टू एल, यानी 90 डिग्री गिवन है, दूसरा एंगल भी ऑलरेडी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपकी एन बन जाएगी एक ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसका मतलब है कि एन आपकी परपेंडिकुलर फॉर्म करती है एम लाइन पर। तो इसी बात को हमने यहां पर लिख दिया, सिंस एल इज पैरेलल टू एम एंड एन इंटरसेक्ट देम एट जी एंड एच रिस्पेक्टिवली, ये आपके पॉइंट्स है जी और एच, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 2, क्यों होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, बट एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल 2 आपका होगा 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि एन इज परपेंडिकुलर टू एम। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।